सुप्रीम कोर्ट के लास्ट वर्किंग डे बिफोर द समर वेकेशंस के दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई इम्पोर्टेंट मैटर्स पर सुनवाई की थी, जहां एक ओर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्शंस जुड़े सवाल पूछे थे, वहीं उन्होंने सेंडर को भी नहीं छोड़ा था जब उनके पास मैरिटल रेप से जुड़ी कुछ पिटिशंस आ पहुंची। मैरिटल रेप एक ऐसा टर्म है जो अभी तक ना ही हमारे देश में क्लियरली डिफाइंड है और ना ही अभी तक इससे रिलेटेड लॉज में सुधार आए हैं। जहां आईपीसी ने मैरिटल रेप के रिगार्डिंग हस्बैंड्स को प्रोटेक्शन दी थी, वहीं आईपीसी के बदले 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस होने वाले भारतीय न्याय संहिता ने भी कुछ ऐसा किया है जिससे लोग काफी भड़के हुए हैं और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने काफी पिटिशंस आ चुके हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर इस मामले की हियरिंग में सीजेआई ने क्या कहा है और सेंटर को क्या ऑर्डर्स दिए हैं। आपको बता दें कि मैरिटल रेप से जुड़े पिटिशन सुप्रीम कोर्ट बेंच और वो भी सीजेआई के सामने आना कोई नई बात नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट की खुद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि वे इस मामले में जल्दी सुनवाई करेंगे। पर बात यहां पर ऐसी है कि न्यू क्रिमिनल लॉज के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। असल में एक हियरिंग के दौरान जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने भी सेंटर से इन लॉज में सुधार करने की मांग की थी, ये कहते हुए कि अगर इन लॉज में सुधार नहीं किया जाएगा तो ये हमारे देश में शादियों का मतलब बदल देगी। और ऐसे में मैरिटल रेप से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें भी सुधार नहीं होगा तो अंदाजा लगाना आसान है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कितना ही अफेक्ट होगा, वो भी तब जब इंडिया में शादियां एक पवित्र बंधन के रूप में देखी जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2024 को ही सेंटर का स्टैंड मांगा था मैरिटल रेप एक्सेप्शन के, जो कि आईपीसी में प्रोवाइडेड है। अंडर द एक्सेप्शन गिवन इन सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग माइनर इज नॉट रेप। और वहीं अब जाकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल है, ने अब सेंटर से उनका स्टैंड पूछा है रिगार्डिंग मैरिटल रेप, जैसा कि न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। अंडर द न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 63 रेप हैज क्लैरिफाइड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। इस केस में पिटिशन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा फाइल किया गया है और इस मामले की हियरिंग के दौरान सीजेआई ने कहा भी है कि ये काफी इम्पोर्टेंट इशू है एंड स्टेटेड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, दिस विल बी लाइव इवन आफ्टर द न्यू कोड। आपको बता दे कि पिटिशन ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बिकॉज इट टेक्स अवे अ मैरिड वुमेन्स राइट्स टू बॉडिली इंटीग्रिटी, डिसीजनल ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। द प्ली हैज स्टेटेड द इम्प्यूंट प्रोविजंस इन पेगिंग द लीगल स्टेटस ऑफ अ वुमेन्स कंसेंट टू हर मैरिटल स्टेटस आर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, देयर इज नो डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल टू जस्टिफाई द सेलेक्ट डिप्रिवेशन ऑफ मैरिड वुमेन ऑफ अ लीगल राइट to complain of the commission of the offence under section 63 of the Bharatiya Nyaya Sanhita by her husband. जिसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है। इस प्ली में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया गया है कि वे इस मामले को सुनकर एक सही फैसला ले एंड हैड स्टेटेड गिवन दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर इन सो फार एज इट कंसर्न्स द पैरी मटेरिया इन सिमिलर मैटर और व्हेन टू प्रोविजंस ऑफ टू डिफरेंट स्टैट्यूट डील्स विद द सेम सब्जेक्ट प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एज दे वर कंटेन्ड इन द आईपीसी एंड सीआरपीसी इट इज प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हियर द इंस्टेंट केस विच चैलेंजेस प्रोविजंस ऑफ द बीएनएस एंड बीएनएसएस दैट कॉन्स्टिट्यूट एंड सिक्योर द एमआरई मैरिटल रेप एक्सेप्शन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको बता दें कि एक जो प्ली सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक स्प्लिट वर्डिक्ट से जुड़ी है, जो कि मई 11, 2022 को मैरिटल रेप इशू पर पास हुआ था। This appeal has been filed by a woman, one of the petitioners, before the Delhi High Court. हालांकि टू हाई कोर्ट जजेस जस्टिस राजीव शकदेहर एंड जस्टिस सी हरी शंकर हैड कंकर्ड ऑन ग्रांटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ लीव टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एज द मैटर इन्वॉल्व्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ व्हिच रिक्वायर्ड अ डिसीजन फ्रॉम द टॉप कोर्ट। इस केस में भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एक पिटिशनर थी, जहां जस्टिस शाकबेर वो हेडेड द डिविजन बेंच फेवर्ड स्ट्राइकिंग डाउन द मैरिटल रेप एक्सेप्शन फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेड इट वुड बी ट्रैजिक इफ अ मैरिड वुमेन्स कॉल फॉर जस्टिस इज नॉट हर्ड इवन आफ्टर 162 years. Since the enactment of the IPC, Justice Shankar said the exception under the rape law is not unconstitutional and was based on an intelligible differentia. आपको बता दें कि All India Democratic Women's Association ने इस marital rape exception के अलावा
अलावा हैज ऑल्सो चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 67 ऑफ द बीएनएस व्हिच प्रिस्क्राइब्स इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स फॉर मैरिड मैन हू रेप देयर सेपरेटेड वाइव्स। ये प्ली जो कि लॉयर रुचिरा गोयल द्वारा फाइल्ड है ने इस प्रोविजन को ऑब्जेक्ट किया है कि इस बेसिस पर कि द पेनल्टी इज लोअर देन द मैंडेटरी मिनिमम 10 ईयर सेंटेंस अदरवाइज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ रेप। और तो और उन्होंने सेक्शन 221 ऑफ द बीएनएसएस को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है विच फैसिलिटेट्स अ लीनियंट रेजिम अंडर सेक्शन 67 बाय प्रोहिबिटिंग अ कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विदाउट प्राइमा फेसी सैटिस्फैक्शन ऑफ द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस अपॉन अ कंप्लेंट बाय द वाइफ। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक दूसरे केस के बारे में भी बताया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दिया था कि यूनियन को न्यू क्रिमिनल बिल्स में चेंजेस करने होंगे वरना शादी एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगी। तो असल में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें कि जस्टिसेस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे के सामने एक केस ऐसा आया जिसमें पिटिशनर जो कि खुद एक हस्बैंड था ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया था। पिटिशनर पर उसकी वाइफ ने क्रूअल्टी और हरासमेंट का इल्जाम लगाकर उस पे एफआईआर फाइल किया है और इसी को क्वॉश करवाने की मांग पिटिशनर ने हाईकोर्ट से की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया था लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की तो उन्हें वाइफ द्वारा फाइल्ड एफआईआर में कुछ पक्का सबूत नहीं मिले थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड द प्लेन रीडिंग ऑफ द एफआईआर एंड द चार्जशीट पेपर्स इंडिकेट that the allegations leveled by the first information report are quite vague, general and sweeping. Specifying no instances of criminal conduct, it is also pertinent to note that no specific date or time of the alleged offenses has been disclosed in the FIR. Even the police thought fit to drop the proceedings against the other members of the appellant's family. मामला यहाँ काफी खराब भी हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि यूनियन द्वारा पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को रिप्लेस करने वाला है में एक सेक्शन हूबहू कॉपीड है सेक्शन 498A जैसे विच स्टेट्स हूएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट्स सच वुमन टू क्रुएल्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन को सलाह भी दी कि वे लॉज को अमेंड करके उसमें सुधार लाए तो बेहतर होगा और ना कि पुराने लॉ को एज इट इज वापस से पेश करे, इसलिए भी क्योंकि आज के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग लॉज को प्रॉपरली अमेंड करने की सख्त जरूरत है और वो भी इस सेक्शन को खासकर क्योंकि आए दिन कई वुमेन इस लॉ का गलत फायदा उठाकर हस्बैंड्स और उनकी फैमिलीज पर केसेस फाइल कर देती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेक्शन 85 और 86 ऑफ बीएनएस को टारगेट किया है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि ये सेक्शंस कहते क्या है। सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता स्टिपुलेट्स दैट एनीवन हु हैज द हस्बैंड और अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन इन्फ्लिक्ट्स क्रुएल्टी अपॉन हर विल फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years अलॉन्ग विद अ फाइन। और वहीं सेक्शन 86 ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ क्रुएल्टी टू इंक्लूड बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्म इन्फ्लिक्टेड अपॉन वुमन। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सेंटर इतने ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी न्यू क्रिमिनल लॉज में कोई चेंजेस करती है या नहीं। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।